नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं भारत के बेटे पाकिस्तान की बात करने, क्योंकि बेटे को फिर किसी ने गंदा पेल दिया है। हाँ, अब की बार पाकिस्तान को बांग्लादेश ने पेल दिया है, वो भी पूरे 10 विकेट से। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 2 मैचों का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसका पहला मैच चल रहा था जिसमें पाकिस्तान को बांग्लादेश ने 10 विकेट से हरा दिया है। दोस्तों, आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, भारत भी श्रीलंका से कई सालों बाद वनडे सीरीज हार के आई है। लेकिन बात हार की नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि खेल में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मानते हैं हुंकारी भी भरते रहते हैं कि उनके पास वर्ल्ड का सबसे फास्ट बॉलर है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉलर है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैट्समैन है। बुमराह और समी तो कुछ है ही नहीं शाहीन अफरीदी और नसीम शाह के सामने, कोहली रोहित कुछ नहीं है बाबर आजम और रिजवान के सामने, इस तरह तो उनकी बात रहती है। लेकिन जब प्रदर्शन की बात आती है तो कभी जिम्बाब्वे पेल जाता है तो कभी बांग्लादेश पेल जाता है। इन पाकिस्तानियों को आज तो बांग्लादेश क्रिकेटर्स भी बोल रहे होंगे, ले भैया मुद दिया तेरे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स पे। दोस्तों, इरफान पठान भी कहाँ चुप रहने वालों में से हैं, पाकिस्तानियों की मौज काटने में वो सबसे आगे रहते हैं। एक पे ट्वीट कर दिए कि पाकिस्तानियों कैसा रहा संडे। दोस्तों, इस हार पर मजा लेने की बात नहीं है, लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन बताए कि भैया जितना हो सके उतना ही बोलें, जुबान पे थोड़ा लगाम लगा के बोलें। ये इधर बोलना शुरू करते हैं और इतना फेंक देते हैं कि बाकियों को बुरा लग जाता है। तो भैया अब काम वैसा नहीं होगा, तो जो फेंके हैं उसको समेटना भी तो उन्हें ही पड़ेगा ना। बस हम मदद कर रहे हैं कि भैया समेटो। सच कहूँ तो दोस्तों, पाकिस्तान की हालत उस कहावत के जैसे हो गई है कि भैया जो कुत्ता भौंकता है ना वो काटता नहीं है।